हेलो गाइस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी रहेगी वीडियो आरआरबी डी ग्रुप की कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो की थी आपकी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, फिर बच्चों की डिमांड रही थी कि नहीं पीसीएम की भी हमें चाहिए, तो आपकी पीसीएम की भी वीडियो अपलोड की थी। जिन बच्चों ने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और पीसीएम के एग्जाम दिए है वहां वो आप वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है वो उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। वहां पर काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि हमें आरआरबी ग्रुप डी की भी कट ऑफ का एनालिसिस आपसे पता करना है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लाई लाई हूँ आरआरबी डी ग्रुप की कट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है या कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, टोटल जॉन्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरआरबी की जो जॉन्स है वो टोटल जॉन्स कितने हैं। तो टोटल कितने जॉन्स है आपके, 17 जॉन्स। 17 जॉन्स से वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, ठीक है। तो जो टोटल वैकेंसी निकली है वो थी आपकी 62,907 वैकेंसी थी, ओके। अब देखिए जो आपकी कट ऑफ की अगर हम बात करें कि इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, वैसे तो अलग अलग जोन की आपकी अलग अलग कट ऑफ होगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो एवरेज की बात करेंगे कि एवरेज अप्रोक्स कितनी कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल, वैसे जो आपकी कट ऑफ जाएगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने 70+ 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अटेम्प्ट तो आप कितने 100 के 100 भी कर सकते थे। जो टोटल आपके क्वेश्चंस थे वो 100 क्वेश्चंस थे, जो आपका एग्जाम था वो 100 मार्क्स का था, और जो टाइम था वो दिया था 90 मिनट्स का आपका टाइम रहा है, ठीक है। तो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं 80 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस के आसपास बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन 70+ बाई चांस आपका, बाई चांस का मतलब है मान लीजिए 2-3% बच्चे ही ऐसे हैं जिनके आपके 70+ मार्क्स आ रहे हैं या 70+ क्वेश्चन उनने सही किए हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आपकी कट ऑफ जा रही है जनरल की वो कितनी जा रही है, अप्रोक्सीमेट जैसे बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग कट ऑफ है आपकी 60-65 जनरल की, ठीक है। ऐसे हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी की कट ऑफ है आपकी 55-60 के अप्रोक्सीमेट। ऐसे ही आपकी एसटी की, एससी की बात करते हैं हम पहले, अगर एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ है 50-55। ऐसे यदि हम एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ आपकी 45-50 के आसपास, ठीक है। अगर एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं हम, तो एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ रहेगी प्लस, ठीक है, या 40 या 35-40 कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो आपके 100 मार्क्स का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आपका क्राइटेरिया रखा गया था। क्राइटेरिया क्या रखा गया था, आप बोलेंगे कि नहीं 40 मार्क्स काफी है, डी ग्रुप है, काफी सारी वैकेंसीज है, हो जाएगा 40 मार्क्स में। तो इसमें क्राइटेरिया रखा था, क्राइटेरिया क्या रखा था उसके अंदर, जनरल के अंदर बोला गया है कि आपके 40% होने चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है आपका कि जनरल 40% होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ऐसे ही ओबीसी का मांगा है 30%, ऐसे ही एससी का मांगा है 30%, और एसटी का भी आपका कितना मांगा है 30%। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि इतने तो आपके होने ही होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रही है। अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया था इसके अंदर। तो इसके अंदर टोटल बच्चों ने अप्लाई किया था 1,90,00,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन 40% बच्चे इसके अंदर अब्सेंट रहे थे। टोटल बच्चों ने जो एग्जाम दिया था वो दिया था आपका 1,10,00,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। अब जो आपका जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस बोला जा रहा है कि 13 फेब को आपका अनाउंस हो जाएगा, ठीक है, मिडनाइट तक। हो सकता है एक दो दिन का टाइम और लग जाए, लेकिन अब तक जो अनाउंसमेंट हुई है वो 13 फेब की हुई है। आज से एक दो दिन बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि मान लीजिए
आपका ये क्लियर हो जाता है कि आपका सीबीटी वन क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद आपका और कौन कौन से स्टेजेस आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका जो भी है पोस्टिंग ज्वाइनिंग आपकी दे दी जाएगी, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, कुछ बच्चों का ये भी है कि फिजिकल के अंदर क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।